पर्वतीय त्रासदियों के क्षेत्र में कुछ कहानियां इस जैसी भयावह हैं। माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, कई साहसी लोगों को आकर्षित करती है, फिर भी इसकी विश्वासघाती प्रकृति एक सपने को तुरंत दुःस्वप्न में बदल सकती है। यह कथा इन ऊंचाइयों की दुर्गम वास्तविकता को रेखांकित करती है। वर्ष 1996 एवरेस्ट के इतिहास में सबसे घातक वर्षों में से एक के रूप में अंकित हो गया। 15 पर्वतारोहियों की गंभीर संख्या में जान चली गई, उनमें से 8-10 मई को मारे गए। इस मनहूस दिन पर 3 अलग अलग समूहों, माउंटेन मैडनेस, एक सरकार द्वारा वित्त पोषित ताइवानी टीम और एडवेंचर कंसल्टेंट्स के 33 पर्वतारोही अपनी शिखर यात्रा पर निकले। गाइडों द्वारा गलत कदम उठाने के परिणाम स्वरूप पहले से तय रस्सियां स्थापित करने में विफलता हुई, जिससे इन समूहों को 2 घंटे से अधिक की देरी हुई। नतीजतन पर्वतारोहियों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हिलेरी स्टेप पर एक अड़चन पैदा हो गई। कई लोग दोपहर 2 बजे के अनुशंसित कट ऑन ऑफ समय से काफी पहले शिखर पर पहुंच गए, जो शिविर में सुरक्षित उतरने की अनुमति देता है। अनातोली बोक्रीव, जो उस दिन चोटी पर विजय प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, समूह से अलग हो गए और कैंप 4 में अकेले उतरे। उनकी एकल यात्रा की 10 मई के बाद पर्वतारोही और पत्रकार जॉन क्राकाउर ने आलोचना की। हालांकि समय के साथ बोक्रीव को साथी पर्वतारोहियों को संभावित मौत से बचाने के लिए पहचान मिली। बोक्रीव शाम 5 बजे तक कैंप 4 पर पहुंच गए, लेकिन कई पर्वतारोही अभी भी शिखर के रास्ते में थे। शाम 5:30 बजे तक एक बर्फीले तूफान ने पहाड़ को घेर लिया, जिससे सावधानी पूर्वक लगाई गई रस्सियां दब गईं और आरोही समूहों के रास्ते का कोई भी निशान मिट गया। पर्वतारोहियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ताइवान के गौमिंग हो और अमेरिकी स्कॉट फिशर ने खुद को फंसे हुए पाया। वे 8,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटे से चट्टानी स्थान बालकनी से नीचे उतरने में असमर्थ थे। एडवेंचर कंसल्टेंट्स के एक गाइड रॉब हॉल अपने ग्राहक डॉग हैंसन के साथ हिलेरी स्टेप पर फंस गए थे, जो बेहोश हो गए थे। हॉल ने सहायता के लिए रेडियो किया और साथी गाइड एंडी हैरिस ने बहादुरी से संघर्षरत जोड़े के लिए ऑक्सीजन और पानी के साथ चढ़ाई को दोहराया। जैसे जैसे बर्फीला तूफान तेज हुआ, दोनों समूहों के पर्वतारोही माउंटेन मैडनेस और नील बीडलमैन, पीट शोइनिंग, चार्लोट फॉक्स, टिम मैडसन, सैंडी पिटमैन और लेने गैमलगार्ड, साथ ही एडवेंचर कंसल्टेंट्स के माइक ग्रूम, बेक वेदर्स और यासुको नंबा विचलित हो गए साउथ कोल पर। उन्हें कांगशुंग फेस पर एक तीव्र गिरावट से केवल 20 मीटर की दूरी पर रहने के लिए मजबूर किया गया था। बर्फीले तूफान में एक क्षणिक शांति के दौरान बीडलमैन, ग्रूम, स्कोइनिंग और गैमल गार्ड मदद मांगने के लिए बाहर निकले। कैंप 4 में लौटने पर बोक्रीव एक बचाव अभियान पर निकल पड़े। उन्होंने फॉक्स, मैडसन और पिटमैन को सफलतापूर्वक बचाया, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें नंबा और वेदर्स को छोड़ना पड़ा, जो हाइपोथर्मिया प्रेरित कोमा के कारण मृत्यु के कगार पर थे। शेरपाओं ने अगले दिन नंबा और वेदर्स की जांच की, लेकिन उन्हें बर्फ में ढके हुए पाया, जिसके लिए उनके चेहरे से बर्फ हटाने की आवश्यकता थी। विपरीत परिस्थितियों के विपरीत वेदर को होश आया और अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ वह लड़खड़ाते हुए कैंप 4 में ठंडे पैरों पर वापस आया। वह आधा अंधा था क्योंकि उसकी एक आंख बंद हो गई थी। अगले दिन सुबह 4:43 बजे हॉल ने हिलेरी स्टेप से रेडियो प्रसारित किया, जिसमें हैंसेन के निधन और हैरिस के लापता होने की पुष्टि की गई। उस दिन बाद में हॉल अभी भी पहाड़ पर फंसा हुआ था। उसने बेस कैंप से अपनी पत्नी से संपर्क करने के लिए कहा और एक हृदय विदारक बातचीत साझा की। जैसे ही तूफान थम गया, शेरपाओं ने जमे हुए गौ को बचाया। बोक्रीव ने फिशर के शरीर को ठीक करने के लिए एक और चढ़ाई की। शाम 7 बजे उसे पता चला कि वह जम गया है। बोक्रीव के प्रयासों के बिना जान गंवाने वालों की संख्या अधिक हो सकती थी। दुखद बात यह है कि अगले वर्ष अन्नपूर्णा पर प्रयास के दौरान बोक्रीव की भी मृत्यु हो गई। अनातोली बोक्रीव की वीरता उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को और अधिक नुकसान से बचाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में खड़ी हुई। 1996 की घटनाओं को बाद में जॉन क्राकाउर की बेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन किताब इनटू थिन एयर
ए पर्सनल अकाउंट ओन ऑफ द माउंट एवरेस्ट डिजास्टर में जगह मिली। इस वृत्तांत को पर्वतारोहण समुदाय के भीतर मिश्रित स्वागत मिला, विशेष रूप से अनातोली बॉकरीव के चित्रण के लिए। बदले में बॉकरीव ने इन आलोचनाओं का जवाब अपनी पुस्तक दी क्लाइंब में दिया। एवरेस्ट 1996 त्रासदी की विरासत सिल्वर स्क्रीन तक फैल गई जब इसे 2015 में एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिसमें जेसन क्लार्क, जोश ब्रोलिन, जॉन हॉक्स, केरा नाइटली, एमिली वॉटसन और जैक गिलेनहाल जैसे कलाकार शामिल थे।